हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त होंगे हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग सेटरिंग छाजा के कर रहे हैं। हालांकि छाजा के सेटरिंग अगर आप लोग भी नहीं करते हैं तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे छाजा के सेटरिंग कौन सा तरीका से होता है और आप लोग कौन सा तरीका से करेंगे। सारा चीज़ वीडियो में बताएंगे, वीडियो को जो है विस्तार से देखेंगे तभी हालांकि आपको भी समझ में आएगा। एक मेजरमेंट लेना आप लोग का जरूरी है, छाजा के सेटरिंग या कोई भी सेटरिंग कर रहे हैं तो आप लोग का मेजरमेंट पास में होना चाहिए। और अभी हम लोग छाजा के कांटिलीवर का जो है सेटरिंग का चाल बना रहे हैं। हालांकि आप लोग को सिर्फ बता दें हम कि आप लोगों का जो है यहाँ से आप लोगों का 4 फुट लेना है। 4x2 का प्लेटा है जो कि यहाँ पे 4 फुट सेंटर लेना है, चैनल का सेंटर लेना है मित्रों। ऐसे आप लोगों जो है उसके बाद में चैनल ऐसे जैसे हम लोग चैनल अभी जोड़े हुए हैं वैसे चैनल आप लोग का भी जोड़ना है। ऐसे रोक के रखना है। और यहाँ पर से भी ऐसे नाप लेना है। और सेंटर लेना है मित्रों 4 फुट। इसका जो है 4 फुट देखिए बीच में आना चाहिए ऐसे ऐसे। मेरा भी उधर भी नाप लेना है। उसके बाद में जस्ट आप लोग का प्लेट डालना है ऐसे। यहाँ से दीवार से नापना है 4 फुट। जितना सेम उधर किए हैं 4 फुट, अगर 4 फुट 4x2 का प्लेटा है तो ऐसे सेंटर आप लोगों को भी कर लेना है। उसके बाद में जस्ट एक प्लेट आप लोग को डालना है जो कि अभी पावर प्लेट ला रहे हैं हम। और प्लेट में एक मित्रों ध्यान में रखना है, जो भी कांटी लीवर का प्लेट डालेंगे ये वाला जो साइड होता है ये सीधा रहना चाहिए दोनों साइड का। और ऐसे और सेटरिंग वाला एक हथौड़ा भी आप लोग ले लेना है ऐसे। अगर ज्यादा भी बड़ा छाजा होगा तो आप लोग 6 इंच के पीस वहां पे डालना है क्योंकि दोनों जो है माथ भागेगा नहीं चैनल का। चलो बलि ठोकवा लो। और अभी हम लोग बलि इसमें लगाते हुए आगे को जा रहे हैं। जस्ट ऐसे बलि आप लोग का टेपर 3-3 फुट पे या 2 फुट पे भी आप लोग बट मार सकते हैं। और यही कांटिलीवर है, ऐसे चाल बनाते हुए बिछाते हुए प्लेटा चला जाना है। पहले चाल बनाने के आप लोग तरीका मैं सिखा रहा हूँ, सेटरिंग का चाल कैसे बनता है ये सारा चीज़ वीडियो में हम आप लोग बता दिए हैं। और ऐसे आप लोग का भी सेटरिंग का चाल बनता है मित्रों, बहुत काफ़ी इसमें मेहनत होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक हथौड़ा एक मेजरमेंट लेना जरूरी है। और आज के वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त। आप लोग बल्ली जो है आप लोग बल्ली जो ये वाला मुंह होता है थोड़ा बाहर कीजिएगा। ये जो मुंह होता है बल्ली का ये बिल्कुल फ्रेश लगाना है, कील उल के ध्यान में रखना है। ऐसे आप लोग कील ठोक देना है, चलिए लगाइए। और ये जो कील वाला सुराग है मित्रों इसको जो है आप लोग सही तरीका से इसमें कील ढुकाए। और कील का टोपी टूटना नहीं चाहिए, छाजा में अक्सर रिक्स लेकर आप लोग काम करना है। ये ना कीजिए आप लोग लापरवाही जैसे काम करे, बिल्कुल भी वो ऐसा काम नहीं करता है। छाजा सेटरिंग का जब छत डालने से पहले क्या होता है, इधर आइए, जो छाजा होता है वो कई बार हम लोग देखे हैं कि जो लिंटर डालते समय में जो है मित्रों कई बार गिर जाता है। वैसे याद रखना है कि नीचे वाला भाई जब बोल देगा कि जो हाँ बलि लग गया है उसके बाद में आप लोग का प्लेट डालना है, ना कि वो बलि लगा रहे हैं तो आप लोग प्लेट से ऊपर से ढक दें और नीचे वाला बंदा भी घायल हो सकता है मित्रों, वो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और आज के वीडियो मित्रों आज यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि बस चाल ऐसे बनाते हुए सेटरिंग करते हुए जाना है क्योंकि काफी टाइम हो गया है। और बस वीडियो देखने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।